और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है और तेजस्वी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अब ईडी भी जांच शुरू कर सकती है। सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब इस मामले में ईडी भी जांच करेगी। साथ ही तेजस्वी ने इसे संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करार दिया है। इसके बाद ईडी भी आएगी, वो भी तहकीकात करेगी, वो भी चार्जशीट करेगी, तो कोई मतलब है जब तक ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। संवैधानिक संस्थानों के का दुरुपयोग होता रहेगा, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता रहेगा तब तक यह चलता रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव के बचाव में उतर आए हैं। नीतीश कुमार ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले को एक तरह से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार के मुताबिक इस मामले में कुछ भी नहीं है। वो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे, आप फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं इन पर, तो हम लोग चले गए हैं, तब फिर शुरू किया। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपी सरकार में रेल मंत्री रहे थे। आरोप है कि लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती घोटाला हुआ था। उसी दौरान नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लेने के आरोप लगे थे। सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गई वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गई थी। चारा घोटाले के अलग अलग 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।